डेंगू के डंक से जनता परेशान, डीएम ने किया निरीक्षण। मथुरा डेंगू की डंक से मथुरा जनपद में मचा हाहाकार, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। मथुरा जनपद में आए दिन डेंगू से मरीजों की हो रही मौत, प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं फुल, झोलाछाप डॉक्टरों की हो रही है बल्ले बल्ले। स्वास्थ्य विभाग पर मौतों का नहीं है कोई आंकड़ा, सरकार सरकारी हॉस्पिटल सहित प्राइवेट हॉस्पिटल हुए फुल, स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, प्रत्येक मरीज के परिजनों से वार्ता की और मरीज के परिजनों से वार्ता की और मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की, उन्हें अच्छा खाना सुविधाएं और शुद्ध जल प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल में अनेक मरीजों से वार्ता कर उनके स्वास्थ्य एवं अस्पताल द्वारा की जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने डेंगू से पीड़ित मरीजों एवं उनके परिजनों से खाने, दवाई, सफाई, डॉक्टर की उपस्थिति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रभाकर, गौतम, कृष्ण मुरारी उपाध्याय, रजनी, यश, अल्ताफ, बबीता, मीना, अंकित शर्मा, चंदन, आरती, सोनिया, कोमल एवं अंगूरी देवी आदि महिला एवं पुरुष वार्ड में जाकर उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त की। श्री चहल ने अस्पताल में डॉक्टरों तथा अन्य स्टाफ की उपस्थिति में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और उन्होंने उपस्थित पंजिका का अवलोकन किया। उन्होंने ब्लड बैंक स्टॉक का निरीक्षण किया जिसमें पर्याप्त ब्लड उपलब्ध है। उन्होंने ब्लड बैंक के स्टोर रूम का निरीक्षण किया और एक ब्लड देने आए मरीज के परिजन से भी बात की। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। किया गया था बेड्स में जो जो हमारे मरीज़ हैं उनसे चिकित्सा सुविधा जो उनको उपलब्ध कराई गई उसकी जानकारी दी, तो मरीजों ने संतोष जाहिर किया है। बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको ड्रिप्स वगैरह लगाए जाने की आवश्यकता, उन्हें लगातार ड्रिप्स लगाई जा रही है। तरल पदार्थ दिए जाने का जो काउंसलिंग है वो भी डॉक्टर्स ने की है, लगातार डॉक्टर्स की विजिट भी हो रही है। और जहाँ पर प्लेटलेट्स लगाए जाने की आवश्यकता है वहाँ पर प्लेटलेट्स भी लगाई जा रही है। ये जो ब्लड बैंक है इसका भी विजिट किया गया और वहाँ पर जो प्लेटलेट्स की उपलब्धता है या ब्लड यूनिट्स की उपलब्धता है उसकी भी जानकारी ली गई। तो ओवरऑल अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार भी आ रहा है, हमारे कुछ बेड्स जो हैं वो वेकेंट भी हो रहे हैं और जो प्रेशर था पेशेंट्स का वो भी कम हो रहा है। एक्स्ट्रा बेडों का भी इंतजाम किया गया है प्रशासन द्वारा, यहाँ की जो अस्पताल प्रशासन है, और जबकि 64 की क्षमता है और क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ विचार? हाँ, यहाँ पर 64 बेड्स जनरली इस्तेमाल में लाए जाते हैं, पर इसके अतिरिक्त 10 बेड्स अतिरिक्त जो हमारे बर्न यूनिट में हैं उसमें से कुछ बेड्स जो नॉर्मल हमारे फीवर के पेशेंट्स हैं या डेंगू पेशेंट्स हैं उसके लिए इस्तेमाल में लाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे मेडिकल लीगल केसेस आते हैं उनके लिए भी 25 बेड्स अलग से व्यवस्थित जो किए जाते हैं जनरली, उनको भी अब डेंगू की तरफ से तरफ डाइवर्ट किया गया ताकि हमारे जो मरीज़ हैं उनको बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तो इससे बेनिफिट मिला है और यहाँ पर मरीज़ों ने भी संतोष जाहिर किया है कि डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं और हॉस्पिटल में पिछले 2 महीने से कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई है। तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं और धीरे धीरे जैसे कि आप बता रहे हैं कि केसेस में भी गिरावट आने लगी है और हॉस्पिटल बेड्स जो हैं वो इस समय पर वेकेंसी होनी शुरू होगी। थैंक यू सर।